good morning everyone welcome to study light making your study lighter and easier today we are going to start class 4th sst lesson number 1 celestial bodies so let's start our chapter one night lakshmi was playing with her brother gotham suddenly she looked through the window and saw that the moon was shining in the sky the shining moon attracted her she also saw that the whole स्काई वॉज़ फुल ऑफ़ ब्यूटिफुल स्टार्स श्री आश गौतम डज द स्काई हैव ओनली द मून द स्टार्स एंड द सन गौतम स्माइल्ड एंड सैड नो सिस्टर द स्काई इज़ वेरी वास्ट इट हैज़ प्लैनेट्स सेटेलाइट्स एंड एस्ट्रॉइड ऑल्सो लक्ष्मी वॉज सरप्राइज्ड शी वॉन्टिड टू नो मोर अबाउट द मिस्टीरियस स्काई तो एक दिन लक्ष्मी अपने भाई के साथ खेल रही थी अचानक उसकी नज़र खिड़की से बाहर जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो मून है वो शाइन कर रहा है उसे वो बहुत अट्रैक्ट करता है इसके साथ ही वो देखती है कि आसमान में बहुत सारे तारे भी टिमटिमा रहे हैं ख़ूबसूरती के साथ तो वो अपने भाई से पूछती है क्या आसमान में सिर्फ चांद तारे और सूरज ही है तो उसका भाई जो गौतम है वो स्माइल करता है मुस्कुराता है और कहता है कि नहीं जो हमारा यूनिवर्स है वो तो बहुत ही वास्ट है स्काई बहुत वास्ट है और इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं बहुत सारे सेटेलाइट्स होती हैं और बहुत सारे अलग अलग तरह के एस्ट्रॉयड्स होते हैं तो लक्ष्मी को बहुत आश्चर्य होता है ये सब सुन के और उसकी क्यूरियसिटी बढ़ जाती है कि उसे और जानना है अब आसमान के बारे में आकाश के बारे में सो द नेक्स्ट डे गौतम वेंट टू हिज टीचर विद लक्ष्मी हिज टीचर वॉज हैप्पी टू टेल देम अबाउट द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम दिस इज़ वट ही टोल्ड तो अगले दिन जो गौतम है अपनी सिस्टर को अपने टीचर के पास लेके जाता है ताकि वो यूनिवर्स के बारे में सोलर सिस्टम के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सके और उनकी टीचर को भी बहुत अच्छा लगता है ये सब बताते हुए तो उनकी टीचर ने उन्हें क्या कुछ बताया चलिए देखते हैं सबसे पहले द यूनिवर्स द वास्ट ओपन स्पेस दैट वी सी अबव अस विद द सन स्टार्स प्लैनेट्स मिटोरॉय्स कॉमेट्स एंड द मून इज कॉल्ड द यूनिवर्स इट इंक्लूड्स ऑल द हेवनली बॉडीज़ तो यूनिवर्स क्या होता है जो हम अपने ऊपर ओपन स्पेस देखते हैं एक एरिया देखते हैं जो आकाश जिसे हम कहते हैं उसमें चाँद तारे सूरज बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारे मिटोरॉइड्स बहुत सारे कॉमेट्स इन सब से मिलकर ये यूनिवर्स बना हुआ है और जितनी भी आकाश में हम चीज़ें देखते हैं जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हम आकाश में देखते हैं वो सभी यूनिवर्स के अंतर्गत आती हैं नेक्स्ट द सोलर सिस्टम द सन द एट प्लैनेट्स एंड देयर आर सैटेलाइट्स मीन्स मून्स एंड अदर हेवनली बॉडीज़ लाइक कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉयड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम अब हमने सोलर सिस्टम के बारे में भी पढ़ा है सोलर सिस्टम क्या होता है उसमें शामिल है सन यानी कि सूर्य इसके साथ साथ हमारे जो एट प्लैनेट्स हैं और उनकी अपनी अपनी सैटेलाइट जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उनमें से कई प्लैनेट्स के अपनी अलग अलग सैटेलाइट्स होती हैं नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं जैसे पृथ्वी की है चंद्रमा तो इसी तरह जो और प्लैनेट्स हैं उनके पास भी अपने अपने मून हैं इसके अलावा जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं यानी कि जो हमें आकाश में नज़र आता चाहे वो है चाहे वो कॉमेट्स हैं चाहे वो एस्ट्रॉयड्स हैं वो सभी सोलर सिस्टम में शामिल होते हैं यानी इन सभी चीज़ों से मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बनता है नेक्स्ट हम देखते हैं प्लैनेट्स अ प्लेनेट इज़ अ हेवनली बॉडी दैट सर्कल्स अराउंड द सन इट गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन देर आर एट प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम अब प्लेनेट क्या होता है प्लेनेट भी एक हेवनली बॉडी है यानी कि आकाश में ही पाए जाने वाली एक चीज़ है जो कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है और सूर्य से वो रोशनी प्राप्त करती है और हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में एट प्लैनेट्स हैं चलिए आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं नो no मोर कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं टिल ऑगस्ट 2006 थाउजेंड सिक्स प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लानिट हाउ एवर इन मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो इज लाइक अदर सेलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स सीरेस ह्यूमिया एरिस एंड मे बी कॉल्ड अ डॉर्फ प्लानेट और प्लूटोइड तो अगस्त 2006 से पहले प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था एक प्लैनेट माना जाता था और उस वक्त हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें नौ ग्रह माने जाते थे लेकिन अगस्त 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उन्होंने एक मीटिंग की और उसमें उन्होंने डिसीज़न लिया कि जो प्लूटो है वो बाकी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हम आकाश में देखते हैं उन्हीं की तरह एक सेलेस्टियल बॉडी है तो उन्होंने उसे एक ड्वार्फ प्लानट का नाम दे दिया या फिर उसे हम कहते हैं प्लूटॉइड अब ये एक प्लैनिट नहीं रहा है चलिए आगे नीचे आते हैं अपने प्लैनिट्स पर द समरी ऑफ द एट प्लानिट्स ऑफ द सोलर सिस्टम इज गिवन बिलो तो जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनिट्स हैं हम उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं पढ़ लेते हैं एक बार तो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे पहला ग्रह कौन सा है मर्क्यूरी मर्क्यूरी क्लोजेस्ट टू द सन द स्मॉलेस्ट प्लानट हैज़ नो सेटेलाइट तो जो मर्क्यूरी है वो सूर्य के सबसे नज़दीक का प्लानट है साथ ही साथ ये है सबसे छोटा प्लानट भी है और इसकी अपनी कोई सेटेलाइट नहीं है मतलब इसका अपना कोई चंद्रमा नहीं है अब मर्क्यूरी के बाद आती है बारी विनर्स की ये अपना सेकेंड प्लानट है अपने सोलर सिस्टम में द हॉटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट प्लानट कॉल द मॉर्निंग एंड द इवनिंग स्टार हैज़ नो सेटेलाइट तो ये अब जितने भी आठ ग्रह हैं उनमें सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा चमकीला भी है और इसे मॉर्निंग या इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं और इस ग्रह का भी अपना कोई चंद्रमा नहीं है तीसरे नंबर पर आता है पृथ्वी यानी अर्थ कॉल द ब्ल्यू प्लानट जैसे कि आप सभी जानते हैं हम इसे नीला ग्रह भी कहते हैं ओनली प्लानट वेयर लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट हैज़ वन सेटेलाइट अब जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी आठ ग्रह हैं उनमें से सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन माना जाता है और साथ ही साथ इसका अपना एक सेटेलाइट भी है अपना एक चंद्रमा भी है इसके बाद आती है बारी मार्स की कॉल्ड रेड प्लानट हैज़ टू सेटेलाइट्स अब जो मार्स है यानी कि मंगल ग्रह इसे हम रेड प्लानट के नाम से भी जानते हैं और इसके पास दो सैटेलाइट्स हैं मतलब दो चंद्रमा हैं इसके बाद नंबर पाँच पर आता है ज्यूपिटर द लार्जेस्ट प्लान हैज़ सिक्सटी सिक्स सेटेलाइट्स और ये अपने सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके पास अपनी छियासठ सेटेलाइट्स हैं मतलब इसके अपने छियासठ चंद्रमा हैं जो इसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं नेक्स्ट आता है सैटर्न जो कि नंबर छः पर हैज़ रिंग्स अराउंड इट कॉल द प्लिट ऑफ़ रिंग्स हैज सिक्सटी टू सेटेलाइट्स जो सेटरन है यानी कि शनि ग्रह है इसके चारों तरफ एक रिंग है जिसमें कि बहुत सारे मिटेरायड्स और एस्ट्रॉयड्स घूमते रहते हैं जिसकी वजह से हमें एक रिंग ये एक रिंग नज़र आती है तो इस प्लान को हम प्लैनट ऑफ रिंग्स भी कहते हैं और इसके पास अपने सिक्सटी टू सेटेलाइट्स हैं इसके बाद नंबर सात पर आता है यूरेनस आउटर प्लानट हैज़ ट्वेंटी सेवन सेटेलाइट्स ये एक आउटर प्लानट्स हैं मतलब थोड़ा बाहर की तरफ है ये सूर्य से ज़्यादा दूर है और इसकी अपने पास ट्वेंटी सेवन सेटेलाइट्स हैं ट्वेंटी सेवन इसके पास अपने मूनस हैं सबसे अंत में आता है नेपच्यून द कोल्डेस्ट प्लानट फर्दस्ट फ्राम द सन हैज थर्टीन सैटेलाइट तो सबसे लास्ट में आता है हमारा नेपच्यून और ये सबसे ठंडा प्लानट है क्यों क्योंकि ये सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर है इसलिए यहाँ पर सूरज की रोशनी ना के बराबर पहुँचती है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर बर्फ रहती है हर वक्त और इसकी अपनी थर्टीन सेटेलाइट्स हैं अब नेक्स्ट पेज पर देखिए ज्वाइन द डॉट्स एंड कंप्लीट द डायग्राम देन नेम द एट प्लानट्स एंड कलर दैम अब ये आपके लिए एक एक्टिविटी है आपने सभी डॉट्स को ज्वाइन करना है प्लैनेट्स क्रिएट करने हैं और उनको कलर भी करना है साथ ही साथ आपने उनको लेबल भी करना है यानी उनके नाम भी लिखने हैं अब चलिए हम जितनी भी सेलेस्ट्रियल बॉडीज हैं उनको डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा सबसे पहले आता है स्टार्स अ स्टार इज ह्यूज बॉल ऑफ गैसेज इट गिव्स आउट इट्स ओन लाइट एंड हीट अब जो स्टार होता है वो एक बहुत बड़ी बॉल होती है गैसेस की जिसकी जो गैस होती है उनमें हमेशा एक्सप्लोसन होता रहता है हमेशा उन गैसेस में एक आग लगी रहती है जिसकी वजह से वो अपने एक लाइट और हीट क्रिएट करते हैं द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ तो हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है सूर्य स्टार्स लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस तो जो बाकी के तारे हैं हमें बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं क्यों क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं और हमारा नियरेस्ट स्टार सन है इसलिए वो हमें ज़्यादा बड़ा नज़र आता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेटेलाइट्स सेटेलिइट्स आर द स्मॉल बॉडीज़ दैट रिवॉल्वस अराउंड द प्लान सम प्लानट्स हैव देयर ओन सेटेलाइट्स अब जैसा कि हम जानते हैं जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं इसी तरह जो सैटेलाइट्स होती हैं वो प्लैनेट के अराउंड घूमती हैं तो कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनकी अपनी अपनी अलग अलग सैटेलाइट्स हैं द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन अब जो पृथ्वी है इसका अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून जिसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है लेकिन जो रोशनी सूर्य और पृथ्वी से टकराकर इस तक पहुंचती है उससे ये रिफ्लेक्ट होता है जैसा कि आप नीचे दिए गए डायग्राम में देख सकते हैं डायग्राम दिया गया है नीचे अ सेटेलाइट रिफ्लेक्ट सनलाइट ठीक है ना तो ये डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर कर देगा कि मून किस तरह से शाइन करता है उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती वो जो भी रोशनी उस तक पहुँचती है जो हमें रात को चंद्रमा चमकता हुआ नजर आता है वो उसकी रोशनी नहीं होती बल्कि वो सूरज की रोशनी होती है नाउ द सन द सन इज़ लाइक अ बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेज इट इज़ द स्टार अराउंड विच द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स ऑफ आर सोलर सिस्टम रिवॉल्व तो जो सूरज है वो एक बहुत बड़ी बॉल है हॉट गैसेस की जिनमें हर वक्त एक्सप्लोजन होता रहता है जिसकी वजह से हीट और लाइट निकलती रहती है और जो ये स्टार है सन इसके चारों तरफ हमारी अर्थ और बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के वो रिवॉल्व करते हैं सो द सन इज़ द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम द सन अपीयर्स टू बी लार्जर एंड ब्राइटर देन अदर स्टार्स बिकॉज इट इज़ मच नियरर टू द अर्थ देन एनी अदर स्टार अब जो ये सन है वो हमारे सोलर सिस्टम का हेड है क्योंकि इसी के चारों तरफ बाकी के जितने भी ग्रह हैं वो घूमते हैं और सूरज हमें इतना बड़ा क्यों नज़र आता है इतना ब्राइट क्यों नज़र आता है क्योंकि यह पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है इट इज़ मेन सोर्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ सिंस इट गिव्स अस हीट एंड लाइट अब पृथ्वी पर जीवन का यही एक सबसे बड़ा सोर्स है क्योंकि सूर्य से ही हमें हीट एंड लाइट मिलती है नेक्स्ट है हमारा द मून द अर्थ्स मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई जो हमें पृथ्वी का जो सैटेलाइट है मून वो हमें सबसे ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है नाइट स्काई में द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन इट गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन सिंस द मून इज़ नियरर टू द अर्थ इट अपीयर्स टू बी मच बिगर देन द स्टार्स एक्चुअली ऑल द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स आर मच बिगर देन द मून अब जैसा कि हम जानते हैं जो चंद्रमा है उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती साथ ही पृथ्वी के ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है इसलिए ये हमें बहुत बड़ा नज़र आता है ये हमें बाकी तारों से बड़ा नज़र आता है क्योंकि जो बाकी स्टार्स हैं वो हमारे प्लानट से बहुत ज़्यादा दूर हैं उनके कंपैरिजन में चंद्रमा हमारे बहुत नज़दीक है इसलिए ये हमें बड़ा नज़र आता है अब आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपने जो सही आंसर है उस पर टिक करना है फर्स्ट द डैश गिव्स और गिव अस हीट एंड लाइट and the options are a moon b sun c star and the correct option is b sun the sun gives or give us heat and light second mcq is the dash has or have no light of its or their own and the options are a moon b stars or c sun and the correct option is of course a moon क्योंकि हम जानते हैं मून की अपनी कोई रोशनी नहीं होती वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है जबकि स्टार्स की और सन की अपनी खुद की रोशनी होती है चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं मीटियोरयस और मीटियोर्स एंड मीटियोराइड्स 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 आर स्मॉल रॉकी एंड इेगुलर हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन तो जो मीटियोराइड्स होते हैं वो रॉकी होते हैं यानी कि छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो कि इरेगुलर हेवलली बॉडीज़ होती हैं ये मतलब इनकी अपनी कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती और ये भी जैसे बाकी ग्रह होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं उसी तरह ये सब भी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं साइंटिस्ट बिलीव दैट मिटोरॉयड्स आर लेफ्ट ओवर रॉक्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका ये मानना है कि जब हमारा सोलर सिस्टम बना जब हमारे अलग अलग ग्रह बने तो उनमें से जो कुछ पत्थर थे टूट अलग हो गए थे वही मीटियोराइट्स हैं और वही जितने भी हमारे ग्रह हैं उनके साथ मिलकर सूरज के चक्कर काटते रहते हैं नेक्स्ट है मिटियोर्स मिटियोर्स आर बर्निंग मिटीरोइड्स विच वी सी एज अ ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट दैट फ्लैशज फॉर अ मूमेंट अक्रॉस द स्काई जो मिटियोर्स होते हैं वो मिटियोरयड्स ही होते हैं लेकिन वो घर्षण की वजह से यूनिवर्स में जल जाते हैं और जब वो जल कर मूमेंट करते हैं तो हमें एक बहुत छोटी सी बारीक सी लाइन आकाश में कई बार जलती हुई नज़र आती है वही होते हैं मिटियोर्स मिटियोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार्स इन्हें हम शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं जैसे कोई तारा जलते हुए दौड़ रहा है मोस्ट ऑफ द मिटियोर्स बर्न अप कंप्लीटली बिफोर दे रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ ज़्यादातर जितने मिट्योरस होते हैं वो अपने यूनिवर्स में ही जल जाते हैं पृथ्वी पर पहुँचने से पहले ही वो राख हो जाते हैं मिट्योराइट्स सम लार्ज मिटोराइट्स फेल टू बर्न कम्प्लीटली एंड स्ट्राइक द अर्थ सरफेस और कुछ मिट्योराइट्स ऐसे होते हैं जो कि साइज़ में बड़े होते हैं और वो हमारे एटमोसफेयर में एंटर होने से पहले पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं और पृथ्वी के सरफेस तक पहुंच जाते हैं मतलब हमारी धरती से टकरा जाते हैं अमिटियोरयड विच डज नॉट बर्न कम्प्लीटली ऑन एंट्रिंग द अर्थ एटमोसफेयर एंड लैंड ऑन द अर्थ सरफेस इज नॉन एज मिट्योराइड्स जो मिट्योरॉयड्स होते हैं जो पूरी तरह से नहीं जलते हैं और हमारे पृथ्वी के एटमोसफेयर में दाखिल हो जाते हैं और पृथ्वी से टकरा जाते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं अमिटोराइड अब नेक्स्ट पेज पर एक क्लियर डिफरेंस दिया गया है डिफरेंस बिटवीन मिटियोर्स एंड मिट्योराइड्स यहाँ से ये यह आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे फर्स्ट है पैरामीटर्स यानी कि पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस दैन मीटियोर्स एंड देन मिट्योराइड्स सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट इज बर्निंग सबसे पहला हम जलते हुए या उनकी बर्निंग के बेस पर उनमें डिफ्रेंस क्रिएट करते हैं तो मिट्योर्स बर्नस कम्पलीटली बिफोर दे रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ जो मिटियोर्स होते हैं वो पूरी तरह से जल चुके होते हैं पृथ्वी तक पहुंचने से पहले मीटियोराइट्स डू नॉट बर्न कम्प्लीटली ऑन एंटरिंग द अर्थ्स एटमोसफेयर एंड लैंड ऑन द अर्थ सरफेस और जो मीटोराइट्स होते हैं वो पूरी तरह से नहीं जलते हैं और पृथ्वी के एटमोसफेयर में एंटर कर लेते हैं और साथ ही जो पृथ्वी है उसके सरफेस पर लैंड करते हैं नेक्स्ट है इनके साइज के बेस पर दोनों में डिफरेंसेस। द साइज़ ऑफ़ दिस हैवली बॉडी इज़ वेरी स्मॉल तो जो मिटीर्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है तभी हमने कहा था कि वो कम्प्लीटली जल जाते हैं पृथ्वी के एटमोसफियर में एंट्री से पहले एंड मिटोरॉयट्स द साइज़ ऑफ दिस हैवली बॉडी इज़ वेरी बिग तो जो मिटोरॉयड्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है इसी लिए वो जल भी नहीं पाते हैं पूरी तरह से नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज़ डैमेज दे डो नोट कॉज एनी डैमेज जो मिटीर्स होते हैं वो किसी भी तरह का डैमेज नहीं करते पृथ्वी पर क्योंकि वो पूरी तरह से जल चुके होते हैं उनका साइज़ भी बहुत छोटा होता है तो किसी तरह का डैमेज पृथ्वी पर आकर उन उनके आने के बाद नहीं होता दैट मिटोराइड्स दे कैन क्रिएट अ लार्ज क्रेटर एंड कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज ऑन द अर्थ सरफेस और जब कोई भी मिटोराइड्स हमारी पृथ्वी से टकराता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रेटर या एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और साथ ही साथ वो आसपास के एरिए को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं नुकसान पहुंचाते हैं फोर्थ पॉइंट आता है साइंटिफिक स्टडीज़ के बेस पर जो मिटियोर्स होते हैं नॉट पॉसिबल मतलब जितनी भी हमारी साइंटिफिक स्टडीज़ है वो कहती हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि मिटियोर्स हमारी पृथ्वी के आसपास पहुंचते हैं या इसके सरफेस में आकर कोई नुकसान पहुंचाते हैं एंड मिटोराइट्स दे हेल्प साइंटिस्ट टू नो अबाउट द नेचर ऑफ मैटर इन द आउटर स्पेस जो मिट्योराइट्स होते हैं ये हमारे साइंटिस्ट की हेल्प करते हैं आउटर स्पेस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चलिए अब आते हैं फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर टिक द करेक्ट आंसर फर्स्ट इज मिटियोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमिट्स स्टार्स और शूटिंग स्टार्स तो मिटियोर्स को हम और क्या किस नाम से जानते हैं सी शूटिंग स्टार नेक्स्ट इज लार्ज डैश फेल टू बर्न कम्प्लीटली एंड स्ट्राइक द अर्थ सरफेस ए मिट्योरयस बी मिटियोर्स और सी स्टार्स एंड द करेक्ट आंसर इज ए मिट्योरॉयस चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अपने सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम देर आर सम अदर बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन लेट लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ दैम अब इनके अलावा कुछ और भी हैं हेवली बॉडीज जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं अब हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं फर्स्ट इज़ एस्ट्रॉयड्स एस्ट्रॉयड्स आर स्मॉल इरेगुलर हेवनली बॉडीज ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन द गैप बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जूपिटर अब एस्ट्रॉयड्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे और इरेगुलर हेवनली बॉडीज़ होती हैं इनकी अपनी कोई शेप नहीं होती है ठीक से और साथ ही ये रॉक या फिर मेटल की बनी होती हैं और जो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती हैं और साथ ही साथ हम देखते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में जो ऑर्बिट के बीच में जो सरफेस है उसमें ये चारों तरफ चक्कर काटती रहती हैं द नंबर ऑफ एस्ट्रॉयड्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर इज सो लार्ज दैट दे अपीयर एज अ बेल्ट इन दिस रीजन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया इसी चैप्टर में जब हम मार्स और जुपिटर की बात कर रहे थे तो इनके चारों तरफ जो एक बेल्ट बनी हुई है जो एक रिंग बनी हुई है हुई है वो इन एस्ट्रॉयड्स की वजह से ही बनी हुई है क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में उनके चारों तरफ घूमते हैं कि लगता है जैसे उन्होंने एक बेल्ट पहन रखी है हमारा लास्ट टॉपिक है कॉमेट्स अ कॉमेट इज़ अ स्मॉल बॉडी ऑफ आइस एंड डस्ट दैट मूव्स अराउंड द सन इन एन एलोगेटेड ऑर्बिट जो कॉमिट uh, होता है वो एक बहुत ही छोटा सा एक पीस होता है चाहे वो आइस का हो चाहे डस्ट का हो जो सन के चारों तरफ एक एलोगेटेड ऑर्बिट पर घूमता रहता है एज अ कामिट अप्रोच द सन इट हीट्स अप एंड लीव्स बिहाइंड अ स्ट्रीम ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल्स तो जब ये कॉमेट सूरज के बहुत नज़दीक पहुँच जाता है तो इसमें अचानक से गर्मी बढ़ जाती है और इसमें आग लग जाती है ये हीटअप हो जाता है और जिसकी वजह से इसमें बहुत सारी गैसेस बर्न होने लगती हैं और जब ये सूरज की तरफ आगे की तरफ बढ़ता रहता है तो पीछे से हमें इसमें बहुत सारी गैसेस का और बहुत सारा इसमें से डस्ट पार्टिकल्स जो निकलते हैं वो सब हमें नज़र आता है वी सी दिस एज अ टेल ऑफ़ द कॉमेट और अब फिर ये सारी चीज़ें हमें उस कॉमेट की पूँछ के रूप में दिखाई देती हैं नज़र आती हैं एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉमेट इज़ हेलीस कॉमेट इट इज़ नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर एडमंड हैली हु डिस्कवर्ड इट तो इसका एक एग्जाम्पल है कॉमेट का वो है हैलीज कॉमेट और इन ये जो नाम रखा गया है वो एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर के नाम पे रखा गया है जिनका पूरा नाम है हैली जिन्होंने इस कॉमेट को डिस्कवर किया था और इनकी पिक्चर भी इस पेज पर दी गई है आप उसे देख सकते हैं नो मोर साइंटिस्ट बिलीव दैट देयर आर अबाउट टू बिलियन कॉमेट्स ऑर्बिटिंग द सन द मोस्ट फेमस कॉमेट इज़ द देलीस कॉमेट इट कैन बी सीन वंस इन एवरी सेवेंटी फाइव और सेवनटी सिक्स ईयर्स इट वॉज लास्ट सीन इन नाइनटीन एटी सिक्स तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि दो बिलियन से ज़्यादा कामिट्स हैं जो सन की ऑर्बिट में घूम रहे हैं और जो ये सबसे फेमस कॉमेट है वो है हैलीस कॉमिट और ये जो कॉमेट्स होते हैं हेली कॉमेट्स ये सेवेंटी फाइव और सेवेंटी सिक्स ईयर्स में एक बार नजर आते हैं बस और जो लास्ट हमें कॉमेट नज़र आया था वो नज़र आया था हमें नाइनटीन एटी सिक्स में इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर टिल देन टेक केयर प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो